तेरी समादरणीय महानुभाव, आज हमको यह विचार करना है कि धर्म के क्या लाभ होते हैं। यद्यपि ये मेरी बुद्धि से ऊपर की बातें हैं, फिर भी मैं अपनी अंबिका के श्रीमती जय तनेजा के शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म। धारणा धर्म इत्याहु, जिसको धारण किया जा सके, अपना या जा सके, जो कभी धर्मी से अलग नहीं किया जा सकता है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, उसी तरह मनुष्य का धर्म सोच विचार करके काम को करना। जो बुद्धि पूर्वक काम नहीं करता, वह मनुष्य नहीं, पशु समान है। शास्त्रकारों ने धर्म के 10 लक्षण दिए हुए हैं। तितिक्षमान रमोस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पेशेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, नॉन स्टिंग, क्लीनलीनेस, इंटेलेक्ट, नॉलेज, ट्रूथ एंड नॉन एंगर, दीज आर दी 10 एट्रीब्यूट्स ऑफ धर्म। जिसे सब स्वीकार करते हैं, उसे सच कहते हैं। जैसे सच बोलना, चोरी ना करना और नित्य स्नान करना। महाराज मनु ने तो इसे इस तरह भी समझाया हुआ है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत। वी शुड नॉट ट्रीट अदर्स वी वुड नॉट लाइक टू बी ट्रीटेड। No one should make me punished by speaking untruth or stealing my toys. I should also speak truth and be honest with others. Now, what are the benefits of all the righteous path? Because without benefits, none would like to walk on it. If we follow them, we will be able to overcome hatred, jealousy, anger, and ego. धर्म का पालन हमको पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति की ओर ले जाता है। हमें व्यवहारिक सुख तथा मुक्ति का उत्तम सुख देता है। It makes our life blissful. किसी भी अवस्था में गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सुख दुख, भाव भावी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश एक सच्चे वैदिक धर्म का उपदेश देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए। धर्म एव दोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वह हमारी भी रक्षा करता है, नहीं तो वह हमें मार देता है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनवित अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। धन्यवाद।